हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इकोसिस्टम्स पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि इकोसिस्टम क्या होता है और इकोसिस्टम का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। देखा था हमने कि वो नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम दो टाइप के होते थे। उसके बाद हमने उसके कंपोनेंट्स देखे कि बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक जो लिविंग होते हैं, अबायोटिक जो नॉन लिविंग होते हैं। फिर हमने सभी कंपोनेंट्स का फंक्शन देखे थे, स्ट्रक्चर देखा था किसी भी इकोसिस्टम का। और उसके बाद हमने कहा था कि आज हम बात करेंगे फूड चेन के बारे में। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम शुरू करते हैं फूड चेन की। किसी भी इकोसिस्टम में जो फूड चेन होती है, अलग अलग ट्रॉपिक लेवल, जैसे हमने पिछले लेक्चर हमने बात करी थी कि ट्रॉपिक लेवल से बना होता है कोई भी फूड चेन, तो वो क्या होता है, फूड चेन क्या होती है, फूड वेब, हम इसे आगे देखेंगे कि फूड वेब क्या होता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फूड चेन से। फूड चेन को अगर बेसिकली हम सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि हु ईट्स हुम, कौन किसको खाता है, इसको फूड चेन कहते हैं। तो बेसिकली जो फूड चेन होता है वो होता है कि एनर्जी का ट्रांसफर किसी भी इकोसिस्टम में कैसे हो रहा है अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स में, उसको एक फूड चेन कहते हैं। तो अगर फूड चेन को देखें कि कितने प्रकार के फूड चेन हो सकते हैं, तो बेसिकली दो प्रकार के फूड चेन हमारे पास होते हैं। किसी भी इकोसिस्टम में दो प्रकार के फूड चेन हो सकते हैं। पहला वाला जो है वो है ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन क्या होता है, ग्रेज मतलब क्या होता है, चरना, खाना। तो जो लोग, जो ऑर्गेनिजम्स जिस फूड चेन में फोटोसिंथेसिस वाले ऑर्गेनिजम्स यानी कि प्रोड्यूसर्स होंगे, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं। तो इसमें सिंपली इसको फिर दो टाइप में और हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका टेरेस्ट्रियल और दूसरा है एक्वेटिक। तो टेरेस्ट्रियल किसको कहते हैं, जो जमीन पर होते हैं, जो लैंड से जुड़े हुए चीजें हैं, उनको टेरेस्ट्रियल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जैसे हम कल भी देख रहे थे। मान लीजिए हमने कहा कि एक ट्री है और ट्री के ऊपर कुछ बर्ड्स रहते हैं और बर्ड्स के ऊपर कोई पैरासाइट्स है मान लीजिए, या मान लीजिए कोई हॉक है एक, तो ये क्या है, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एग्जांपल है। और जैसे ग्रास हो गया, ग्रास को मान लीजिए इंसेक्ट खा रहे हैं, इंसेक्ट को कौन खाएगा, मान लीजिए इंसेक्ट को खा रहे हैं फ्रॉग, फ्रॉग को खा रहे हैं स्नेक, और स्नेक को अल्टीमेटली खा रहे हैं पीकॉक। तो ये एक एग्जांपल किसके हैं, ये सारे एग्जांपल हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के, क्योंकि ये जमीन लैंड पर होने वाले जो फूड चेन्स हैं उनके बारे में हम बात कर रहे थे। दूसरे हम बात करते हैं एक्वेटिक की। तो एक्वेटिक फूड चेन कौन से होते हैं, जो पानी में जो फूड चेन्स चलती हैं उसको हम एक्वेटिक फूड चेन कहते हैं। तो सबसे पहले ज़्यादातर केसेस में जो एक्वेटिक फूड चेन है वो कहाँ से शुरू होती है, वो होती है फाइटोप्लैंकटन से। तो जैसे मैंने आपको बताया था प्लैंकटन दो किस्म के होते हैं, प्लैंकटन दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं फाइटोप्लैंकटन, एक होते हैं जू प्लैंकटन। जू मतलब क्या होता है, जूलॉजी, जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान। तो एनिमल से जुड़ा हुआ जो भी चीजें हैं उसको जू कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। तो उसी तरीके से जो फाइटो है, फाइटो का मतलब होता है प्लांट, तो फाइटोप्लैंकटन वो प्लैंकटन जिनकी प्लांट की तरह प्रॉपर्टी है उनको फाइटोप्लैंकटन कहते हैं। तो फाइटोप्लैंकटन को कौन खाते हैं, फाइटोप्लैंकटन को खाते हैं जू प्लैंकटन, जू प्लैंकटन। जू प्लैंकटन को कौन खाएगा, इनको खाएंगे स्मॉल फिश, स्मॉल फिशेस या क्रस्टेशियंस कह सकते हैं, क्रस्टेशियंस भी खाते हैं इनको। उसके बाद फिर कौन खाएगा इनको, लार्ज फिशेस। मान लीजिए एक सिंपल सी हमने एक फूड चेन ले ली, लार्ज फिशेस। तो ये जो पानी में होने वाले फूड चेन्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम एक्वेटिक फूड चेन्स कहते हैं। तो ये बात थी ग्रेजिंग फूड चेन की। अब ग्रेजिंग इसमें क्यों आ रहा है, ये एक्वेटिक है तो ग्रेजिंग कहाँ हो रही है, ग्रेजिंग इसमें इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें फाइटोप्लैंकटन जो आया है, फाइटोप्लैंकटन क्या है, एक ऑटोट्रॉफ है जो अपना खाना स्वयं बनाता है, प्रोड्यूसर है, इसीलिए इसको हमने ग्रेजिंग फूड चेन में रखा है और इसको रखा जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे किस्म की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट्रिटस फूड चेन। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि डेट्रीवोर कौन होते हैं, डेट्रीवोर वो होते हैं जो बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को छोटे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तोड़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कल की, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स को, फैटी एसिड्स या लिपिड्स को, और प्रोटीन्स को, जो जो हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल है बॉडी के अंदर, उनको डिकम्पोज करते हैं, तोड़ते हैं उनको, और छोटे छोटे इनऑर्गेनिक कार्बन में, नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में, फॉस्फोरस में, इनमें तोड़ के दोबारा मिट्टी में मिलाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, डेट्रीवोर कहते हैं। तो जिस भी फूड चेन में कोई डेट्रीवोर आएगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम डेट्रिटस फूड चेन कहेंगे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लीजिए ये एक्वेटिक का एग्जाम्पल है कि मैंग्रोव्स,
मैंग्रोव लीफ हो गए, आप जब वो गिर गए, जड़ गए या सड़ गए तो उसको सड़ाएंगे डेट्रीवोर्स, डेट्रिटस, उसके बाद फिर कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाएंगे इन डेट्रीवोर्स को, और इनको कौन खाएगा, इनको क्रैब्स या श्रिम्प्स खाएंगे, इनको स्मॉल फिशेस खाएंगी, और उसके बाद इनको लार्ज फिशेस खाएंगी। अब आप ये कहेंगे कि ये तो एक्वेटिक है, तो एक्वेटिक वाले में क्यों नहीं आया? ये एक्वेटिक में इसलिए नहीं आया क्योंकि इसमें क्या ग्रेजिंग नहीं है। मैंग्रोव लीव्स गिरने के बाद की बात कर रहे हैं, जब वो लाइव है तब की बात नहीं कर, तो इसलिए क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस वाली पार्ट नहीं है, इसलिए इसको हमने किसमें रख दिया, डेट्रिटस। तो देखा जाए तो किसी भी फूड चेन का आखिरी जो होता है वो हमेशा डेट्रिटस ही होता है, क्योंकि जब भी कोई एनिमल मरता है तो उसको सड़ना तो होता ही है, सड़ाते तो हैं डेट्रीवुड्स। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ज्यादातर जो फूड चेन्स होती है वो डेट्रिटस होती है, ठीक है। तो लेकिन उसको फिर फर्दर, क्योंकि अगर इस टाइप से क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो उनको फिर हम फर्दर टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक और इस तरीके से कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फूड चेन क्या होता है और ये कितने प्रकार की होती है। अब फूड चेन सिर्फ, अब अगर आप नेचर में देखें तो ऐसा नहीं होता है कि ग्रास को सिर्फ हमेशा रैबिट ही खाएगा या ग्रास को सिर्फ डियर ही खाएगा। ग्रास को हो सकता है कि बहुत सारे लोग खा सकते हैं, बहुत सारे एनिमल्स खा सकते हैं, काऊ खा सकती है, गोट खा सकती है, ऑक्स खा सकता है, इसके अलावा हो सकता है मंकी खा सकता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक ही चीज को खाने वाले बहुत है। इसी तरह से टाइगर ऐसा नहीं होता कि हमेशा डियर को मारेगा, उसको जो शिकार मिलेगा उसको मारेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि फूड चेन जो होती है वो आपस से भी इंटरकनेक्टेड होती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फूड वेब। वेब, वेब मतलब क्या होता है, जाल। मान लीजिए एक फूड चेन बनाते हैं, जैसे मैंने आपको कल बताया था ट्रॉपिक लेवल जब पढ़ा रहा था कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं या ऑटोट्रॉफ्स होते हैं उसको हमेशा बेस में रखते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे रख लिया कोई भी ग्रास रख लिया हमने यहाँ पे। अब मैंने कहा कि इस ग्रास को जो है कौन खा रहा है, रैबिट खा रहा है। इस रैबिट को मैंने कह दिया कि मान लीजिए फॉक्स खा रहा है, और उसके बाद मैंने कह दिया चलो फॉक्स को भी लायन मार के खा ले रहा है किसी भी फूड चेन में। अब मैंने कहा इस ग्रास को जो है मंकी भी खा रहा है। अब मान लीजिए मंकीज को ये लायन दोबारा मार के खा ले रहा है। अब मैंने कहा कि ये ग्रास जो है इसको यहां पर डियर खा रहा है, डियर को लायन भी मार रहा है, डियर को फॉक्स भी मार रहा है, ठीक, रैबिट को भी मार रहा है। अब इसी तरीके से मैंने कहा इसको इंसेक्ट भी खा रहा है, इंसेक्ट फ्रॉग, फ्रॉग इंसेक्ट को खा रहा है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये आपस में क्या है, बहुत जंबल अप है ये जो या इंसेक्ट है। जैसे यहाँ पे इंसेक्ट मैंने कह दिया कि इसको कोई बर्ड खा रहा है, और बर्ड हो सकता है इसको हॉग भी खा ले, या मैं कह देता हूँ कि वल्चर है ये खा ले रहा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि फूड चेन क्या है, ये आपस में बहुत जुड़ी हुई है, कि ये जाल जैसा बना रही है। अगर हम बहुत सारे फूड चेन को जोड़े तो ये क्या बनती है, जाल जैसा बन जाती है। इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम फूड वेब कह देते हैं बेसिकली। और फूड वेब जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी नेचर के लिए, क्योंकि ये जो फूड वेब्स होते हैं ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराते हैं खाने की, कि अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल बताता हूँ, बहुत बड़ा एग्जांपल बताता हूँ, कि आपको पता है कि टाइगर क्या खाता है, टाइगर क्या खाता है बेसिकली, किस पे प्रे क्या है इसका, इसका प्रे है डियर या जो भी जंगल के हर्बीवोर्स है, हर्बीवोर्स। अब आपको पता है कि सुंदरबन एक इलाका है हमारे यहाँ इंडिया में, वेस्ट बंगाल में, जहाँ पर टाइगर बहुत फेमस है, टाइगर मिलते हैं वहाँ। अगर मान लीजिए इनमें से कोई उसको खाना उपलब्ध नहीं है तो वो क्या करेगा, तो वो क्या करेगा कि दूसरे सोर्सेस को देखना शुरू कर देगा। एज फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि जो सुंदरबन के टाइगर्स हैं वो फिशेज को भी मार के खा लेते हैं, क्रैब्स को भी खा लेते हैं। जब खाने की स्केयरसिटी होती है, जब खाना कम होता है, तो वो फिशेज को और क्रैब्स को भी मार के खाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके की चीजें भी देखने को मिलती हैं कि अपॉर्चुनिटी मिल रही है उनको,
कि उनको फूड वेब जो होता है वो क्या करता है, वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है किसी भी फूड चेन को या किसी भी ट्रॉपिक लेवल को, और इसमें अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स आपस में जुड़े होते हैं, जंबल अप होते हैं, तो इसको हम बेसिकली फूड वेब कह देते हैं। अब जो आज का अगला टॉपिक है वो इन्हीं ट्रॉपिक लेवल से जुड़ा हुआ है कि जिसको हम आगे देखने वाले हैं, और उसको कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके इकोलॉजी का। इकोलॉजिकल पिरामिड्स, अब ये इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले जो है चार्ल्स एल्डेन ने दिया था, चार्ल्स एल्डन एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया था इकोलॉजिकल पिरामिड्स का, और 1927 में उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। ये होता क्या है, इकोलॉजिकल पिरामिड बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कि किसी भी अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स में चाहे कितने इंडिविजुअल्स हैं, या रेट ऑफ बायोमास, या बायोमास कितना है, या हम कहें रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कितनी है, तो इसको कैसे दिखाएं। तो इसको दिखाने के लिए इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, एल्डन साहब ने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एल्डन ने दिया था, इसलिए इसको हम एल्डोनियन पिरामिड्स भी कह देते हैं। एल्टोनियन पिरामिड भी इसको हम कह देते हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, चार्ल्स एल्टन ने दिया था। अब इसके बाद देखें कि ये होता क्या है, कैसे होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इससे शुरू करते हैं कि बेसिकली जो इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं वो तीन प्रकार के आपके इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं। पहला है पिरामिड ऑफ नंबर, दूसरा है आपका पिरामिड ऑफ बायोमास, और तीसरा है आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो बेसिकली जो इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं तीन शेप, पिरामिड कैसा होता है आपको पता है, पिरामिड ऐसा होता है, पिरामिड इस शेप का होता है पिरामिड। तो बेसिकली जो इकोलॉजिकल पिरामिड का कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि अगर इसको डिफाइन करने की बात करें कि इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और बायोमास और द एनर्जी ट्रांसफर इन विच द प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप्स आर ऑलवेज ऑन द बेस। जो प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉप होंगे उसको हमेशा नीचे की तरफ लिखेंगे, बेस की तरफ लिखेंगे, यहाँ पर आएंगे वो, जैसे हर्ब्स हैं तो वो हमेशा क्या आएंगी, नीचे की ओर आएंगी। तो अब बेसिकली ये तीन प्रकार के होते हैं जैसे मैंने आपको बताया, ये तो है ही कि ये इनका जो शेप होता है, शेप भी तीन प्रकार का होता है। एक होता है अपराइट, ये अपराइट है, इसको हम अपराइट पिरामिड कहते हैं। एक होता है इन्वर्टेड पिरामिड, ये इन्वर्टेड है, और एक होता है स्पिंडल शेप, इस तरीके का पिरामिड, इसको कहते हैं स्पिंडल शेप। तो अपराइट पिरामिड, इन्वर्टेड पिरामिड, स्पिंडल शेप पिरामिड। तो अब इनमें देखेंगे कि कौन सा पिरामिड किस शेप का होता है और कैसे हो सकता है और ये कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले पिरामिड की, का नाम है पिरामिड ऑफ नंबर, इनको मिटा देते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर क्या बताता है, पिरामिड ऑफ नंबर आपको बेसिकली बताता है कि किसी भी फूड चेन में या किसी भी ट्रॉपिक लेवल में जो रिलेशनशिप है, न्यूमेरिकल रिलेशनशिप है इंडिविजुअल्स का, वो बताता है आपका पिरामिड ऑफ नंबर। अगर हम मान लीजिए कोई एक नॉर्मल वो ले लेते हैं, टेरेस्ट्रियल फूड चेन ले लेते हैं, मैंने कहा ग्रास, सिंपल सी ले लेते हैं,
चलिए इंसेक्ट, बर्ड, मैंने ये ले ली मान लीजिए, और मान लीजिए बर्ड्स के अंडों को जो है स्नेक खा रहा है या कुछ ऐसा है, मान लीजिए ये कह दिया हमने, ये एक हमने फूड चेन ले ली। अब आप देखें कि जो इसका पिरामिड होगा, इकोलॉजिकल पिरामिड, वो अपराइट होता है। तो टेरेस्ट्रियल जो फूड चेन्स होती हैं, बेसिकली उनका जो इकोलॉजिकल पिरामिड होता है नॉर्मली जनरली वो क्या होता है, अपराइट होता है। अब इसमें अलग अलग ये क्या है, ये है आपके ट्रॉपिक लेवल वन, जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था, ये है ट्रॉपिक लेवल टू, ये है ट्रॉपिक लेवल थ्री, ये है ट्रॉपिक लेवल फोर। अब इसका मतलब क्या है, अब देखिए जो ये फूड चेन है इसमें इनका नंबर इनसे ज्यादा रहेगा हमेशा, तभी ये इस फूड चेन को सपोर्ट कर पाएंगी। अगर ये नंबर कम हो गया तो ये फूड चेन को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरीके से इनका जो इंसेक्ट्स का नंबर है, इट शुड ऑलवेज बी मोर देन बर्ड्स, ये बर्ड्स से ज्यादा होना चाहिए, और जो बर्ड्स की संख्या है वो नंबर ऑफ स्नेक्स से ज्यादा होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि तभी ये एक सक्सेसफुल फूड चेन है, ये फूड चेन है तो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। अगर हम मान लीजिए दूसरी फूड चेन देख लेते हैं, मैंने कहा एक और टेरेस्ट्रियल फूड चेन देख लेते हैं, मैंने कहा ट्री, एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर मान लीजिए कुछ बर्ड्स रहती हैं, बर्ड्स हैं कुछ जो उसके सीड्स को खाते हैं, लीव्स को खाते हैं, और इन बर्ड्स के पर जीवित रहने के लिए कुछ पैरासाइट्स हैं, कुछ पैरासाइट्स हैं, और मान लीजिए पैरासाइट्स के ऊपर भी एक हाइपर पैरासाइट्स हैं, हाइपर पैरासाइट्स हैं। तो अब इसकी फूड चेन कैसी होगी, क्या ये अपराइट होगी, इनवर्टेड होगी या स्पिंडल शेप होगी? जैसे मैंने आपको बताया था, अपराइट होगी, इनवर्टेड होगी या स्पिंडल शेप होगी, किस शेप की इसकी पिरामिड बनेगी? ये इनवर्टेड बनेगी। एक पेड़ रहेगा, उस पेड़ पे बहुत सारी चिड़ियाएं होंगी, उन बहुत सारी चिड़ियाओं पे बहुत सारे पैरासाइट्स होंगे, और बहुत सारे पैरासाइट पे बहुत सारे हाइपर पैरासाइट्स रहेंगे। तो हमने देखा कि ये नंबर जो है ये ऐसे बढ़ता है। तो इसीलिए, और हमेशा ध्यान रखें कि नीचे हमेशा जो बेस पर हमेशा क्या होगा, ऑटोट्रॉप रहेगा, प्रोड्यूसर रहेगा। तो इसीलिए ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसको उल्टा करके ऐसे रख दें, हाइपर पैरासाइट को नीचे रख दें, हमेशा नीचे किसको रखेंगे, जो प्रोड्यूसर होगा उसको रखेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो T1 है, T1, T2, T3 और T4, इसको मान लीजिए हमने कहा टॉप कंज्यूमर है ये, तो जो इसमें क्या होता है, इसमें जो T1 होता है वो कम होता है T2 से, लेकिन इसमें देखें कि ये T1 जो होता है ये ज्यादा होता है T2 से। तो ट्रॉपिक लेवल का नंबर की बात कर रहा हूं, ये N है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ट्रॉपिक लेवल 1, वो हमेशा ज्यादा रहेंगे, ये अपराइट में है, ये इनवर्टेड में। क्या इसमें जो पिरामिड ऑफ नंबर है, क्या ये स्पिंडल शेप भी हो सकता है? ये स्पिंडल शेप कब होगा, कौन से वाले फूड चेन में होगा? मान लीजिए एक तीसरा प्रकार भी है, मान लीजिए मैंने कहा ट्री से ही शुरू कर लेते हैं, ट्री है, अब ट्री के ऊपर जैसे मैंने कहा चलिए मान लीजिए बर्ड्स ही हैं, और बर्ड्स के ऊपर मान लीजिए एक हॉक है जो इनके बच्चों को खाता है या इनके अंडों को खा लेता है, तोड़ देता है, जो भी, इन पर जीवित रहता है। तो अब इसका पिरामिड कैसा बनेगा देखें, ये तो सही है, एक ट्री होगा उसमें बहुत से बर्ड होंगे, लेकिन इनके ऊपर फिर क्या होगा, हॉक क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, ये कैसा बन गया, ये स्पिंडल शेप बन गया, कि पहले वो बढ़ा, T1 जो है, T2 है और T3 है, T1 से T2 को बढ़ा और T2 से फिर घट गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो T1 होगा वो लेस देन T2 होगा लेकिन ग्रेटर देन T3 होगा,
So trophic level 1, number of individuals in trophic level 1 will be more, will be less than number of individuals in trophic level 2, but it will be more than trophic level 3. तो इस तरीके से हमने देखा कि तीन प्रकार के नंबर ऑफ पिरामिड जो है वो तीन प्रकार के हो सकते हैं, कि आपका अपराइट वाला भी हो सकता है, दिस इज अपराइट, अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर, दिस इज इनवर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर, एंड दिस वन इज स्पिंडल शेप पिरामिड ऑफ नंबर, स्प्रिंगल शेप्ड पिरामिड ऑफ नंबर। तो तीन प्रकार के हमारे पास पिरामिड हो सकते हैं पिरामिड ऑफ नंबर में। तो ये तो थी पिरामिड ऑफ नंबर की बात। तो आपने अब समझ में आ गया होगा कि आपको क्या कहा जा रहा था, जो हमने कहा कि इकोलॉजिकल पिरामिड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है नंबर का, एक पार्ट हमने खत्म कर लिया। अब दूसरा देखते हैं बायोमास का। तो दूसरा वाला जो पिरामिड है हमारे पास वो है पिरामिड ऑफ बायोमास। अब पिरामिड ऑफ बायोमास क्या शो करता है, क्या डेमोंस्ट्रेट करता है? पिरामिड ऑफ बायोमास जो रेट ऑफ बायोमास एक्युमुलेशन है पर यूनिट एरिया उसको दिखाता है। बायोमास क्या होता है? बायोमास इज टोटल लिविंग मास। बायो मींस क्या? लाइफ। पिरामिड ऑफ बायोमास, अब देखते हैं कि पिरामिड ऑफ बायोमास अपराइट होगा, इन्वर्टेड होगा, स्पिंडल होगा या तीन होगा। तो सबसे पहले हम एक फूड चेन ले लेते हैं। मान लीजिए हमने कहा ग्रास, रैबिट, उसके बाद कहा फॉक्स, लायन, लिख लेते हैं इसको ग्रास, रैबिट, फॉक्स, लायन। अब बायोमास की बात कर रहे हैं कि बायोमास एक्युमुलेशन कितना होगा, जो लिविंग मटेरियल है वो कितना एक्युमुलेट होगा। जब हम पैदा होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन हम क्या होता है बायोमास एक्युमुलेट करते रहते हैं और हमारा वजन बढ़ता रहता है, हमारी हाइट ग्रोथ होती रहती है, तो बायोमास हमारे अंदर एक्युमुलेट हो रहा है। ये बायोमास हमारे अंदर कहाँ से आ रहा है? कल हमने पढ़ा था, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हेटरोट्रॉप और ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप कौन होते हैं? जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। हेटरोट्रॉप कौन होते हैं? जो दूसरों का बनाया हुआ भोजन लेते हैं या दूसरों पर निर्भर होते हैं, प्रोड्यूसर्स पर निर्भर होते हैं। तो हेटरोट्रॉप फिर हमने कहा था अलग अलग किस्म के होते हैं, हर्बीवोर हो सकते हैं, कार्निवोर हो सकते हैं, जिनको कंज्यूमर्स भी कहते हैं ओवरऑल मिलाकर। तो बेसिकली अगर हम देखें कि जो कंज्यूमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंज्यूमर अपना भोजन कहाँ से लेते हैं? प्रोड्यूसर से लेते हैं। तो जो ग्रास है इसका अगर हम बायोमास देखें तो बायोमास भी वहीं से लेते हैं वो, तो वो जो खाना खाते हैं उसी से उनको बायोमास मिलता है। तो ये जो पिरामिड है ये कैसा होगा, बायोमास का कैसा होना चाहिए, कि अपराइट होना चाहिए या इन्वर्टेड होना चाहिए? ये अपराइट होगा। पिछले लेक्चर हमने ये भी बात करी थी कि अलग अलग ट्रॉपिक लेवल जो होते हैं, जो एनर्जी की हमने बात करी थी कि एनर्जी जो होती है उनके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में भी चली जाती है कुछ, तो पूरी की पूरी आगे ट्रांसफर नहीं होती है, ये भी हम देखेंगे। अभी जब पिरामिड ऑफ एनर्जी देखेंगे तो उसमें भी देखेंगे। तो वैसे ही बायोमास का भी होता है कि बायोमास क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये 1000 केजी है इसका बायोमास ग्रास का टोटल ओवरऑल इन एन एरिया इन ए स्पेसिफिक टाइम, तो जो रैबिट का होगा वो तकरीबन 10-20% ट्रांसफर होता है बायोमास। तो मान लीजिए 10% हो रहा है 100 केजी, तो ये कितना होगा 10 केजी बायोमास, और ये कितना होगा लाइन में 1 केजी बायोमास होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स हैं उनमें बायोमास का ट्रांसफर रेट कैसे होता है। तो क्या ये इन्वर्टेड भी हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि इन्वर्टेड हो? मान लीजिए हमने कोई एक एक्वाटिक फूड चेन पकड़ ली। एक्वाटिक फूड चेन नॉर्मली किससे शुरू होती है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था, किससे शुरू होती है? फाइटोप्लैंकटन से। तो हमने कहा फाइटोप्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन अब फाइटोप्लैंकटन को कौन खाएगा? जूप्लैंकटन, जूप्लैंकटन उसको कौन खाएगा? फाइटोप्लैंकटन जूप्लैंकटन उसको मान लीजिए खा रही है स्मॉल फिश, और इसको खा रहा है मान लो लार्ज फिश। अब ये जो फूड चेन है
इस फूड चेन में, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन ऑटोट्रॉफ है प्रोड्यूसर है इसलिए हमेशा बेस पे रहेगा, तो इस फूड चेन में जो बायोमास है वो कैसा होगा? ये इन्वर्टेड होगा। अगर आप देखें कि जो फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास है वो जूप्लैंक्टन से हमेशा कम होगा। तो मान लीजिए ये है 4 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ये यूनिट है इसको नापने की। मान लीजिए 4 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर है, तो अगले ट्रॉपिक लेवल में, यानी ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है और ये T4 है, इसमें क्या होगा? इसमें तकरीबन ये 8 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर हो जाएगा। इसमें ये 12 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर होगा और यहां पहुंचते पहुंचते 16 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर हो गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो एक्वेटिक फूड चेन्स होती हैं, ये एक्वेटिक है, उसमें नॉर्मली जो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है वो इन्वर्टेड होता है। जो टेरेस्ट्रियल फूड चेन्स हैं, टेरेस्ट्रियल फूड चेन्स में जो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है वो नॉर्मली जनरली वो क्या होता है, वो अपराइट होता है। तो ये होगी बायोमास की बात। अब हम आखिरी वाले एक और पिरामिड के बारे में देख लेते हैं। उस पिरामिड को कहते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सवाल आते हैं, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। एक सवाल जो बहुत ही कॉमन है और बहुत बार पूछा जाता है वो ये है कि कौन सा ऐसा पिरामिड है जो हमेशा अपराइट होगा, वो है पिरामिड ऑफ एनर्जी। ऐसा क्यों होगा? पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होता है? पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन ट्रॉपिक लेवल्स इन इन अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया और स्पेसिफिक टाइम में, उसको हम कहते हैं क्या? पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब मान लीजिए यही मैं फूड चेन पकड़ लेता हूँ, एक फूड चेन बनी हुई है हमारे पास, टेरेस्ट्रियल फूड चेन बनी हुई है, और एक हम और बना लेते हैं एक्वाटिक भी, वही वाली बना लेते हैं फाइटोप्लैंकटन वाली। कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत बढ़िया है ये। स्मॉल फिश एंड लार्ज फिश। अब जैसे मैंने आपसे कह दिया कि ये जो पिरामिड होता है ये हमेशा अपराइट होता है, ये हमेशा अपराइट ही होगा, ये ना स्पिंडल शेप्ड होगा ना इन्वर्टेड होगा, ये हमेशा अपराइट रहता है। इसके ट्रॉपिक लेवल भी दिखा देते हैं, इसमें T3, T4, ये अलग अलग इसके ट्रॉपिक लेवल हो गए। तो जो एनर्जी होता है, अगर वैसे भी देखें तो ये क्या है, ये प्रोड्यूसर है, यहां से इधर को सारे कंज्यूमर हैं, लेकिन ये सबसे पहला वाला जो है ये हर्बीवोर है, क्योंकि हाउस पे जिंदा है। हर्बीवोर के बाद ये आ गया प्राइमरी कार्निवोर, और ये आ गया आपका सेकेंडरी कार्निवोर। अगर कंज्यूमर के हिसाब से देखें, पिछले लेक्चर में हमने देखा था हर्बीवोर जो होता है क्या होता है, प्राइमरी कंज्यूमर, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये आपका सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये आपका टर्सरी कंज्यूमर है, या आप इसको कहते थे टॉप कंज्यूमर है। टॉप कंज्यूमर किसे कहते हैं? जिस पर कोई और फीड नहीं करता है नॉर्मल, तो उसको हम क्या कहते हैं? टॉप कार्निवोर कह देते हैं, टॉप कंज्यूमर कह देते हैं। अब हमने देखा कि एनर्जी को, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एनर्जी को नापते कैसे हैं। एनर्जी नापने की यूनिट क्या है हमको पता है, इसका जो यूनिट है वो है किलो जूल होती है। तो किलो जूल पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, या कैलोरी भी नाप लेते हैं, किलो केल्विन पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ये यूनिट होती है इसके नापने की। अगर हम इसमें वो देखें कि मान लीजिए फाइटोप्लैंक्टन है, इसमें 31080 किलो जूल पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, इतनी मान लीजिए इसके पास एनर्जी थी।
तो ये अगले ट्रॉपिक लेवल पे कितना ट्रांसफर करेगा? 1260 किलो जूल पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। और जो अगला वाला ट्रॉपिक लेवल होगा, इस तरीके से मान लीजिए फाइटोप्लैंकटन के पास 31080 किलो जूल पर मीटर स्क्वायर पर ईयर एनर्जी थी, तो जूप्लैंकटन को कितना ट्रांसफर करता है? ये एग्जांपल है, जूप्लैंकटन को 7980 किलो जूल ही एनर्जी पास करता है। और ये जो अगला वाला है स्मॉल फिशेस है, उसको खाली कम हो जाएगी एनर्जी और 1260 किलो जूल ही ट्रांसफर होगी। और जो लार्ज फिशेस होंगे उसको खाली 126 किलो जूल ही ट्रांसफर होगी। बहुत से ऑथर का ये मानना है कि सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है, लेकिन बहुत से ऐसे फूड चेन्स होती हैं जिसमें अलग अलग परसेंटेज में फूड चेन्स ट्रांसफर होती हैं। और ये एक एग्जांपल है आपके एक्वेटिक फूड चेन का जिसमें कि एनर्जी ट्रांसफर होता है। वैसे ग्रास और जो टेरेस्ट्रियल फूड चेन्स होती हैं, इनमें भी ऐसी होता है, जो इनके जो अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स हैं इनमें एनर्जी लेवल क्या होता है वो घटता हुआ जाता है, और ऊपर ऊपर जैसे हम ट्रॉपिक लेवल में जाते रहेंगे, आगे को बढ़ते रहेंगे, तो वो एनर्जी क्या होती है, कम होती रहती है। तो इससे हम ये जान सकते हैं, इससे हम ये कह सकते हैं कि किसी भी ट्रॉपिक लेवल में जो एनर्जी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ट्रॉपिक लेवल के। यानी अगर ट्रॉपिक लेवल बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगी, और एनर्जी बढ़ेगी तो ट्रॉपिक लेवल घटेगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये दोनों एक दूसरे के। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं वो कितने प्रकार के हैं और वो कैसे कैसे काम करते हैं। अगले यूनिट में हम लोग देखेंगे कि जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है वो कैसे होता है, और किस प्रकार से कितने प्रकार के इकोलॉजिकल सक्सेशन होते हैं, और इसके अलावा हम देखेंगे कि इकोलॉजिकल सक्सेशन का मैकेनिज्म क्या है, कैसे वो काम करता है।